हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। रेवाड़ी में एक ही दिन में 48 नए केस सामने आए। आपको बता दें, अब रेवाड़ी में टोटल केस हो चुके हैं 898, रिकवर हुए हैं 545, एक्टिव केस है 345 और डेथ हो चुकी है अभी तक 8 लोगों की। रेवाड़ी में 70 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रेवाड़ी से 40 लोग, दारोडा से 17 लोग ठीक हो चुके हैं, असदपुर से 2 लोग ठीक हो चुके हैं, छवा से 2, कोसली से 2, लिसाना से 1, राजाबाद से 1, नहाड़ से 1, बोलनी से 1, नांदा से 1, बलावा से 1, हसाका से 1 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब रेवाड़ी में कल रात 48 नए केस सामने आए हैं। रेवाड़ी से 25, दारोडा से 17, अरहोद से 3, रालियाबाद से 1, बावल से 1, मालपुरा से 1 केस सामने आए हैं। हरियाणा में बता दें, कुल टोटल केस हो चुके हैं 24,319, रिकवर हुए हैं 18,362, डेथ हो चुकी है 332 लोगों की, एक्टिव केस है 5,575। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को आगामी 3 वर्ष खरीफ 2020 से रबी 2022 से 2023 तक के लिए बीमा को लेकर हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया गया है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए कपास, धान, मक्का व बाजरे को लिया गया है। इसमें किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि को वहन करनी होगी। कोरोना केस बढ़ने से जुलाई में धार्मिक स्थल खुलने की उम्मीद नहीं। जिस प्रकार से कोरोना केस बढ़ रहा है, उससे लगता नहीं कि जुलाई में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में निर्भया की मां आई समर्थन में। आपको बता दें, दोंगड़ा अहीर गांव की लड़की सपना की नोएडा स्थित गुरुकुल में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में निष्पक्ष की मां निर्भया के मां ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद के एक एनजीओ व इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने भी उनकी मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें, गांव दोगड़ा हईर की बेटी की नोएडा स्थित गुरुकुल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के परिजनों का आरोप था कि उनकी बेटी की गुरुकुल में हत्या हुई है। इस हत्या में गुरुकुल प्रबंधन भी मिला हुआ है। अब निर्भया की मां भी छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में समर्थन में आई है। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ बेटी खोने का दर्द एकजुट हो क्या होता है, एकजुट होना न्याय दिलाना ही होगा, निर्भया की मां ने ऐसा कहा। खेल उपलब्धियों के आधार पर नगद पुरस्कार पाने के लिए 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक विजेता या प्रतिभागी खिलाड़ी 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि की खेल उपलब्धियों के आधार पर नगद पुरस्कार पाने के लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अबॉर्शन की दवा देने और उसे लाने के आरोप में डॉक्टर सहित 2 गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, मॉडल टाउन थाना पुलिस ने गांव जाटोवास में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में प्रतिबंधित अबॉर्शन की दवा देने और उसके लाने के आरोप में पुलिस ने क्लिनिकल चलाने वाले एक चिकित्सक सहित 2 को गिरफ्तार किया है। दूसरे व्यक्ति पर दवा लाने का आरोप है। पुलिस इस मामले में आरोपी पति विश्वास को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी गांव छुरियावास निवासी राजेश कुमार व बिठवाना निवासी विजय उर्फ कालू है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जाटोवास गांव में 7 जून को एक महिला ने संदिग्ध हालत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मशीन पर काम करते समय कर्मचारी की कटी 3 उंगलियों, प्रबंधन पर केस। आपको बता दें, बाउल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत श्रमिक की काम करते समय 3 उंगलियां कट गई। श्रमिक का आरोप है कि उसके द्वारा दिन में भी ड्यूटी की थी, लेकिन सुपरवाइजर की तरफ से काम का हवाला देते हुए रात को भी ड्यूटी लगाने के कारण दूसरी मशीन पर लगा दिया। घायल श्रमिक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिकायत के बाद कोसला पुलिस थाना ने प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया है। अलवर जिला के राजगढ़ निवासी मनीष शर्मा ने बताया कि वह बाल एक कंपनी में ठेकेदार के तहत कार्य करता है। 7 जुलाई को उसने दिन में ड्यूटी की और शाम को ड्यूटी छुट्टी होने के बाद भी सुपरवाइजर ने अधिक कार्य होने की बात करते हुए रात्रि को भी ओवरटाइम करने को कहा। आरोप है कि उसने मना करने के बाद भी सुपरवाइजर नहीं माना। पिस्टल के बल पर फोन व नकदी छीनने का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पिस्टल दिखाकर पैसे व मोबाइल लूटने की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी शहर के मोहल्ला गुज्जरवाड़ा निवासी धन्नी गुज्जर उर्फ दीपक है। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। कोसली थाना पुलिस ने खुद को जियो कंपनी का इंजीनियर बताते हुए मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने के लिए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी यूपी के जिला गाजियाबाद निवासी अनिश शेफी है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना ना भूलें।